हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक है। मैं आपको यहाँ पर फास्ट कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, जैसे कि अभी IBPS PO क्लर्क और RRB PO क्लर्क और भी दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अभी रिजल्ट्स आए हैं और अभी होने वाले हैं। उन सब के लिए आपको चाहिए कि आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो। उसके लिए मैं अभी आपको सिखाऊंगा 5 से 25 से एंड 125 से मल्टीप्लाई करना। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। एक छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं। 84 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम 5 को लिख सकते हैं 10/2। तो यहाँ पर हम इसको 84 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10/2 से। तो आप 84 को 2 से डिवाइड कर लीजिए तो आपका आता है 42, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आपका आंसर आ जाता है। बहुत इजी है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको यूज्ड हो जाइए और बहुत जल्दी कैलकुलेशन आप बढ़ा सकते हैं। आप मुझे पता है आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि 5 से मल्टीप्लाई करना तो इजी होता है, लेकिन तब जब हमारी संख्या छोटी होती है। लेकिन जब यही संख्या बड़ी हो जाती है, चलिए एक दो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 538 का, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से। दोस्तों हमें कैलकुलेशन फास्ट करनी है, इसलिए हम ये सारे स्टेप यहाँ पर स्किप करेंगे। इसको हम सीधा सीधा 2 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से, चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12 कैरी 1, 2 9 ज़ा 18 269, और 10 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 2690। ये आपका आंसर है। अब हम इसी को और बड़ी संख्या कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 8693, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। वही प्रोसेस है, 2 से इसको डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई किया। आपको 2 से डिवाइड किया तो आया 4346.5। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपका आंसर आ जाता है 4346.5। बहुत इजी है करने में, समझने में, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ज़्यादा इसकी महारत हासिल कर लेंगे और बहुत जल्दी अपनी कैलकुलेशन ख़त्म कर पाएंगे। ये तो भी 5 की बात। अब हम बात करेंगे 25 की बात। 25 एक और रैंडम नंबर, मान लीजिए हम 84 ही लेते हैं। 84 को हम मल्टीप्लाई कीजिए 25 से। जैसे हमने 5 के लिए लिखा हुआ था, दोस्तों ऐसे ही हम लिख सकते हैं 25 के लिए 100/4। वही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, 84 मल्टीप्लाई 100/4। 4 से इसे हम जब इसको हम 4 से काटते हैं तभी आ जाता हमारा 21। 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2100 इज़ अ आंसर। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए हम 786 मल्टीप्लाई की करेंगे हम 25 से। वही है, इसको सारे आपने स्टेप सारे के सारे स्किप कीजिए, इसको डायरेक्ट से आप 4 से डिवाइड कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 196.5 आएगा। तो आप हमें मालूम है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 10, ये लीजिए, ये आपका आंसर। एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं हम 6847 मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 से। सेम प्रोसेस, इसे 4 से हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1711.75। इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपका 171175। इट इज़ योर आंसर। बहुत इजी है फ्रेंड्स। आपको मैथ में केवल एक चीज़ समझने की ज़रूरत होती है कि आपको कितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी एक्यूरेसी और उस पर्टिकुलर, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइडेशन हो, एडिशन हो, सबसेक्शन हो, किसी में भी आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और यही हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहिए। चलिए हम इसको 125 का और सीख लेते हैं। इसे हम एक रैंडम नंबर लेते हैं 56, मल्टीप्लाई करेंगे हम 125 से। दोस्तों जैसे हमने 5 के लिए लिखा 10/2, 25 के लिए लिखा 100/4, तो उसी तरीके से हम 125 के लिए लिख सकते हैं 1000/8।
ये बहुत इजी हो जाता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर 56 को मल्टीप्लाई करें 1000 अपॉन 8 से, 8 से हम इसे काट लेंगे तो आ जाएगा 7, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7000। इट इज़ योर आंसर। बहुत इजी है गाइज, आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। चलिए एक और बड़ा नंबर लेते हैं, 816 मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, 8 से डिवाइड कीजिए मीन्स 102, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए मतलब 000। इट इज़ योर आंसर। चलिए वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक 1950A मल्टीप्लाई 125, और आप केवल एक ही लाइन में इसका आंसर ला सकते हैं, केवल 8 से डिवाइड कीजिए। सो 1 1 8 8 5.5 एक्चुअली, लेकिन हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 and 0 0। इट इज योर आंसर। सो तो गाइस आपने देखा बहुत इजी है, हमको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है, हमको एक बार इन सारी मेथड्स का यूज टू होना है, और हमको यही ये मेथड हमको एग्जाम में भी अप्लाई करनी है, जिससे हम कम से कम समय में और एक्यूरेसी के साथ बहुत जल्दी